बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी इतने सारे मीडिया लोग आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी प्रकाश जी के साथ ये दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म थी रानी हम मुगल त्यौहार और अब ये लव युद्ध, जो कि एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे, और ये हमेशा साफ सुथरी फिल्मों पे बिलीव करते हैं और एक अलग तरह की ऑडियंस को पकड़ना चाहते हैं कि जिनको गंदी फिल्में अच्छी लगती हैं वो हमारी फिल्म ना देखें, चलेगा, लेकिन मैं अच्छी फिल्म बनाऊंगा, अच्छा ही गाना बनाऊंगा। और ये इनका फेथ ही मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करने में, और बहुत ही अच्छे सेट पे हर जगह बहुत अच्छे तरीके से ये पेश आते हैं हर किसी के साथ में। और सबसे बड़ी बात कि मैंने जब इनका नाम ये लेखक गीतकार निर्माता, ये लेखक गीतकार निर्माता तो थे ही, निर्देशक तो थे ही, आज मैंने निर्माता में भी देखा, तो बहुत आपको शुभकामनाएं। पहली बार ये लव युद्ध को ये प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे भरोसा है कि एक अच्छी फिल्म बन के बाहर निकलेगी, जैसे कि हमारे दर्शकों को पता है कि मैं कभी भी बेकार और फालतू फिल्में नहीं करने का कोशिश करता हूं, क्योंकि आप लोगों का भरोसा ना टूटे, वैसी ही ये फिल्म है लव युद्ध, अच्छी फिल्म बनेगी। और इसमें फर्स्ट टाइम एज ए मतलब सुखदेव टाइगर जी, हाँ, ये काम कर रहे हैं इसमें एज ए फाइनेंसर और पार्टनर, तो और ग्लोरी मोहंता इसमें हीरोइन है, तो अब ये बताएंगी अपने बारे में। बताइए फिल्म के बारे में, आप हीरोइन हैं इस फिल्म की। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि प्रकाश आनंद जी के साथ जब मैं स्ट्रगल करती थी, मैं तब से उनके साथ काम कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे एक स्ट्रगलिंग आइटम डांसर से लेके आज इन्होंने मुझे हीरोइन का एक रोल दिया है, तो मैं प्रकाश आनंद जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर डांस के बहाने ही सही कि आपने मेरा प्रमोशन कर दिया, क्योंकि आजकल हीरोइन आइटम सॉन्ग कर रहे हैं तो भाई मेरा भी हक बनता है कि ऐसा आइटम डांसर मैं भी हीरोइन बन जाऊं, और भगवान करे ऐसे कॉन्सेप्ट सब लोग लेके आए डांसिंग को लेके कि सब लोग को मैं ही नजर आऊं एज अ डांसर हीरोइन के तौर पे, ताकि मेरा भी घर चले। एंड थैंक्स टू यू सर कि आप छत्तीसगढ़ से भोजपुरी के लिए आपने इतना इंटरेस्ट दिखाया है, और अभी हम नए जगह पे जा रहे हैं शूट करने के लिए छत्तीसगढ़, हम लोगों ने राजपीपला ये करे सब जगह हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया, अब हम छत्तीसगढ़ जाएंगे। एंड थैंक यू गौरव जी कि आपने भी हाँ बोला मेरे ऑपोजिट काम करने के लिए, बिकॉज बींग आइटम डांसर इतने ईजी नहीं है कि मैं इंडस्ट्री में एज अ लीड आ पाऊँ, तो कहीं ना कहीं इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमेशा मेरे चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाते ऑडियंस तक, सो थैंक यू। ग्लोरी, डेब्यू कर रही हैं आप एज ए हीरोइन, डेफिनेटली बड़ी है डांस, मैंने अपने लाइफ का 25 साल मैंने एज अ डांसर दे दिया, तो आप मुझे कहीं किसी कोने में भी खड़ा करके नचा देंगे तो वो एक कॉन्फिडेंट गेन हो गया है, और जहाँ पे गौरव झा जैसे बहुत बड़े कलाकार हैं मेरे सामने, उन्होंने काफ़ी 15 फिल्मों के ऊपर काम कर लिया है, सीनियर आर्टिस्ट है, तो डर तो लगता ही है कि एक्टिंग में कुछ ऊपर नीचे भूल चूक हो जाएगा, तो अब प्रकाश आनंद जी मुझे संभाल सकते हैं कि सीनियर आर्टिस्ट से मुझे डांटना पड़े, हाँ होमवर्क भी चल रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। वो तो फोन में है, 25 साल से नौटंकी कर रही हूँ और आप लोगों के सामने नौटंकी पेश करती रहती हूँ, तो खून में है, ज़्यादा रिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आने वाले क्या-क्या फिल्में हैं? आने वाली इस साल में जो शूट होके जो पोस्ट प्रोडक्शन में है वो ऐसे ही है, लव युद्ध वो एक प्रेम युद्ध, और चिराग है, दलदल है, हिम्मत है, अग्निपुत्र है, नाम बदनाम है, उसके बाद अभी एक और लेडी सिंघम है जिसमें रानी चटर्जी मेरे साथ में अपोजिट में है, और नाम बदनाम में काजल राघवानी जी हैं साथ में, और तीन फिल्मों में पूनम दुबे जी हैं साथ में, तो है अभी सारे फिल्मों का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, और जल्दी ही वो मेरे ख्याल से प्रेम युद्ध और चिराग जल्दी उसका रिलीजिंग डेट आएगा बाहर। थैंक यू। मैं एक्चुअली ये इंटरव्यू स्पेशली इनके लिए देना चाहती हूँ, क्योंकि जिस फिल्म में मैं एज अ लीड हीरोइन कर रही हूँ, ये मेरे छोटे भाई का किरदार करने वाले हैं, जो कि अभी तक इनको भी नहीं पता, इनको सिर्फ पता है कि एक्टिंग करने वाले हैं। और हर्ष, आप कितने साल के हैं? 7 ईयर्स के हैं, और आपने पहले एक्टिंग किया है? नहीं किया है, तो पहली बात करेंगे आप, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे से डरेंगे तो नहीं ना? पक्का ना? अच्छे से कॉन्फिडेंटली करेंगे? डांस आता है आपको?
नहीं आता, सिखा दे तो आपको सिखाऊंगी मैं, ठीक है? तो प्लीज़ मैं बोलना चाहूँगी इनको ब्लेसिंग्स दीजिए। छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन बेटा एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई करना मत भूलना, होमवर्क लेके आना, होमवर्क पढ़ाई इज़ अ मस्ट, ये सब चलता रहेगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू।